told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. So, hello everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ अंकिता और आज आपके लिए लेके आ गई हूँ एक नया वीडियो. जी हाँ दोस्तों, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हमने नीस का बर्थडे और हम इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं पटना के रेड वेलवेट होटल में, जो कि इनकम टैक्स चौराहा पे है. और इसकी लोकेशन की जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. और मैं यहाँ आपको दिखाऊँगी रेड वेलवेट होटल को भी, कि ये रेड वेलवेट होटल जो पहले समर्पण के नाम से भी जाना जाता था, तो मैं उसे भी दिखाऊँगी. तो आप लोग देखिए कि इसका इंटीरियर कैसा है, इसका फूड टेस्ट कैसा है और इसका बुफेट कैसा है. तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें. तो बढ़ते हैं हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन की ओर. और यहाँ से करेंगे हम लोग एंट्री. और यू कैन सी द इंटीरियर, दोनों साइड सीनरी वगैरह लगे हुए हैं और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है. एंड ऑन द राइट साइड हेयर कम्स द रिसेप्शन एरिया. यहाँ आप बुकिंग वगैरह के लिए आके इंक्वायरी कर सकते हैं. और उस साइड भी आपको मिलेगा एक सिटिंग एरिया, बट लाइट्स ऑफ होने के कारण मैं वहाँ का एक्सप्लोर नहीं कर पाई. तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इस रेस्टोरेंट में हम आपको क्या दिखा सकते हैं. So guys, this is my niece's birthday vlog. Now I am going to the birthday area. And here comes the birthday section. And you can see the decorations. It looks so beautiful. और इसकी डेकोरेशंस होटल की तरफ से थी. अलग अलग थीम के डेकोरेशन के चार्जेस अलग अलग हैं. तो आप अपने थीम के अकॉर्डिंग यहाँ डेकोरेशंस करवा सकते हैं. और मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही स्पेसियस है. लिफ्ट वगैरह की भी सुविधा यहाँ दी गई है. और यहाँ सिर्फ एक ही हॉल नहीं है, बहुत सारे हॉल है जहाँ आप अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं. तो बढ़ते हैं हम लोग बर्थडे एरिया की ओर और देखते हैं वहाँ का एम्बियंस कैसा है. तो हम लोग पहुंच चुके हैं बर्थडे एरिया में. एंड यू कैन सी दैट कि सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है. इस हॉल की मैक्सिमम कैपेसिटी 50-60 लोगों की है. मतलब आप बर्थडे पार्टी करना चाहते हो या फैमिली पार्टी करना चाहते हो तो यहाँ पे आप आराम से आके कर सकते हैं. एंड यस, इट इज़ वेरी स्पेशियस एंड यहाँ की एम्बियंस भी काफ़ी अच्छी है. तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ का बर्थडे डेकोरेशंस. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. तो यहाँ हमने कराया था बफेट सिस्टम, जहाँ आपको सैलेड में ही कम से कम 8 तरह के सैलेड मिल जाएंगे. Let's begin the celebrations and here comes the birthday girl Anshika and enjoy the party.
तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि इस रेस्टोरेंट का बफेट सिस्टम कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मेरी नीस के केक कटिंग से। तो ये था मेरी नीस अंशिका का बर्थडे सेलिब्रेशन। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं यहाँ का बफेट यानी कि यहाँ का फूड टेस्ट कैसा है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है बफेट सिस्टम जहाँ आपको वेज के साथ साथ नॉन वेज भी मिल जाएगा। एंड फूड टेस्ट अकॉर्डिंग टू मी इज 4 out of 5। टॉकिंग अबाउट फूड मेन्यू, तो वेज में मिलेगा ऑल टाइप्स ऑफ वेज आइटम लाइक वेज बिरयानी, नूडल्स एंड मंचूरियन, पनीर टिक्का, पनीर चिली, पनीर ग्रेवी, बेबी कॉर्न चिली एंड ऑल टाइप्स ऑफ वेज आइटम। एंड टॉकिंग अबाउट नॉन वेज मेन्यू, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे चिकन एंड फिश के आइटम लाइक चिकन टिक्का, चिकन चिली, चिकन ग्रेवी एंड फिश फ्राई। द फूड टेस्ट इज ऑसम बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज 4 out of 5। And in dessert, you can get all types of mousse cakes, pastries, gulab jamun, malpuas and of course ice creams. तो ये था व्लॉग मेरे नीस के बर्थडे का जो कि रेड वेलवेट होटल समर्पित में हुआ था। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज फैंटास्टिक राइट फ्रॉम द फूड सर्विस टिल फूड क्वालिटी। आई एंजॉयड एवरी बिट। अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग पर लाइक और कमेंट जरूर करें और आगे की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तब तक के लिए बाय बाय।